ओके सो दिस इज़ लेक्चर टेन ऑन ग्रेविटेशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सैटेलाइट्स के बारे में सब कुछ पढ़ा था डेफिनेशन उसका टाइम पीरियड हाइट एंड एवरीथिंग आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स व्हिच इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिट्स दे हैव ओके ऑर्बिट्स किस तरीके से हो सकती है उनकी जैसे ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कौन सा पाथ कोई भी सैटेलाइट फॉलो कर रही है तो उसके बेसिस पे वी नीड टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स तो फर्स्ट सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसको हम जियो सिंक्र सैटेलाइट भी बोलते हैं या फिर पार्किंग सैटेलाइट भी बोलते हैं ठीक है अब ये क्या होती है इफ अ सैटेलाइट इज मेड टू रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट को सेंट्रिक एंड को प्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ अब देखो जो अर्थ जब रोटेट करती है वो कैसे रोटेट करती है? इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट वेस्ट से ईस्ट तो अगर हम हमारी जो सैटेलाइट है सपोज दिस इज़ अ सैटेलाइट और वो भी इसी तरीके से रिवॉल्व कर रही है कैसे वेस्ट टू ईस्ट इट इज़ ऑल्सो टेकिंग ट्वेंटी फोर आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इट इज़ इन द प्लेन विद द अर्थ इक्वेटर ठीक है uh, और कोसेंटर के दोनों का जो सेंटर है मतलब अर्थ के ऑर्बिट का और जो सैटेलाइट का ऑर्बिट का ये सब कुछ सेम है देन दैट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ठीक है सो so, शो यू अफ जिससे समझ आ जाएगा ओके सो कैन यू सी दिस वन ऑन दिस लाइन दिस ठीक है जिस तरीके से अर्थ रोटेट कर रही है उसी सेम तरीके से ये सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ तो इस, इस तरीके की सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ओके सो दिस इज हाउ यू विग्राम इस तरीके से फिगर ड्रॉ करोगे ठीक है नाओ नेक्स्ट इज हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वट यू मीन बाय हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कि वो अर्थ से कितना दूरी पर रिवॉल्व कर रही है दैट विल बी द हाइट और राइट ओके सो द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज गिवेन बाय दिस एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था अगर नहीं आया है तो यू कैन जस्ट चेक द लेक्चर अगैन ठीक है तो हमें पता है दिस दिस इज द फॉर्मुला टू फाइन द हाइट ऑफ द सेटेलाइट जी आर स्क्वायेर टी स्क्र अपॉन फोर पाए स्क्वायर टू दार वन बाय थ्री माइनस आर राइट right. अब देखो फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोगों को सारी चीज़ें पता हैं द टाइम हैज़ टू बी ट्वेंटी फोर आवर्स क्योंकि ये तो प्री रिक्विज था था राइट वी ऑलरेडी सेट कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो अर्थ का जो रोटेशन uh, का टाइम पीरियड है उसके बराबर होना चाहिए सो दैट इज ट्वेंटी फोर आवर्स इसको कन्वर्ट करेंगे नैसा यूनिट सो इट विल कम आउट टू बी एट सिक्स फोर डबल जीरो सेकेंड्स और राइट जी की वैल्यू हम नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड लेकर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलेंगे क्यों लेकर चलेंगे बिकॉज जो अर्थ जो सैटेलाइट है दे रिवॉल्व वेरी क्लोज टू द अर्थ तो जी इज अप्रॉक्सीमेटली नाइन पॉइंट एट डेर ऑल्सो ठीक है एंड वॉट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इट इज सिक्सटी फोर हंड्रेड इन टू टू दी थ्री मीटर ओके सो इस फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज uh, इन्वॉल्व है जितनी भी क्वान्टिटीज uh, इन्वॉल्व है सबकी वैल्यू हमें पता है वेन यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर टू बी थ्री फाइव नाइन थ्री जीरो किलोमीटर्स ये क्या है दिस इज द हाइट दिस इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट तो जिस अप्रोक्सीमेट करने के बाद इट इज थर्टी सिक्स हंड्रेड किलोमीटर तो हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना होता है थर्टी सिक्स हंड्रेड किलोमीटर ना नेसेसरी कंडीशन फॉर अटेलाइट टू बी जियो स्टेशनरी क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है फर्स्ट इट शुड रिवॉल्व अराउंड इन एन ऑर्बिट विच इज को सेंट्रिक एंड को प्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ ये तो पहले ही बताया था ठीक है को सेंट्रिक होनी चाहिए मतलब सेम सेंटर होना चाहिए ऑर्बिट का एंड इट शुड बी इन द सेम प्लेन एज दैर ऑफ द इक्वेटर ओके नेक्स्ट इज द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन शुड बी सेम एज दैर ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगेन डन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवल्यूशन शुड बी एक्जैक्टली सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस दैट इज ट्वेंटी फोर आवर्स राइट एंड इट शुड रिवॉल्व द हाइट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर्स अबव द अर्थ सर्फिस ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया

द नेक्स्ट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज पोलर सैटेलाइट अगेन जिसका ऑर्बिट होगा ऑर्बिट किस तरीके से होगा इट विल बी पेंडिक्युलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन ये इस तरीके ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन था आपका जो अर्थ का रोटेशन हो रहा था वो भी इसी तरीके से हो रहा था तो अगर उसके पेंडिकुलर ऑर्बिट में इस तरीके से कोई सैटेलाइट uh, रिवॉल्व कर रही है तो ऐसे सैटेलाइट को हम क्या बोलेंगे पोलर सैटेलाइट बोलेंगे सो so बेसिकली ये जो आपको दिख रही है लाइक दिस दिस वन दिस वन ओके इस डायरेक्शन में दिस इज योर पोलर सैटेलाइट राइट सो सैटेलाइट दैट रिवॉल्व इन अ पोलर ऑर्बिट इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट समझ आ गया कौन सा ऑर्बिट था परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन ओके अ पोलर ऑर्बिट इज वन हुस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरल प्लेन ऑफ द अर्थ अ पोलर ऑर्बिट पासेज ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ ठीक है ये कौन से पोल को पास करी थी नॉर्थ और साउथ और अगर जियो स्टेशनरी की बात की जाए तो वो ईस्ट और वेस्ट रोटेट इटे एंड ऑब्जर्व दर्थ सर्फिस तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है अगर मैं पूछूंगी वो एक दिन में कितनी बार अर्थ को कंप्लीटली कवर करेगी या देखेगी तो क्या आंसर होगा वन टाइम क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है इट इज़ ऑल्सो ट्वेंटी फोर आवर्स लेकिन जो पोलर सैटेलाइट है उनका रेडियस काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू द जियो जियो स्टेशनरी तो ये क्या करती हैं ये एक दिन में दो से तीन बार पूरा अर्थ को कवर कर लेती है पूरा रिवॉल्व कर लेती है दो से तीन बार तो ऑब्वियसली पोलर सैटेलाइट जो होती हैं वो बेटर होती हैं क्योंकि वो हमें एक ही चीज़ की तीन बार इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं राइट सो वॉट आर द यूज ऑफ पोलर सैटेलाइट वेदर एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग बेसिकली जितने भी फंक्शन आपके जियो स्टेशनरी होंगे वो तो इधर होंगे इनफैक्ट बेटर और राइट पोलर सैटेलाइट सेटेलाइट प्रोवाइड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन बिकॉज देर ऑर्बिट्स आर वेरी क्लोज टू द अर्थ और राइट दे आर यूज़ इज स्टार्टिंग द सर्विस ऑफ मून एंड द प्लानट वीनस एट्सेट्रा तो ये बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके से काम आता है सो दिस वज ऑल अबाउट द टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ओके